कैबिनेट मंत्री मीना सिंह के भाई राजेंद्र सिंह द्वारा छात्रावास अधीक्षिका के साथ की गई छेड़खानी के विरोध में कांग्रेस ने उमरिया के गांधी चौक पर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि पुलिस ने मंत्री के भाई को गिरफ्तार कर लिया है। कांग्रेस की मांग है कि मंत्री के रिश्तेदारों द्वारा जनता और कर्मचारियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है, इसलिए मंत्री को अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। मध्य प्रदेश की जनजातीय विभाग की मंत्री मीना सिंह का भाई उनके लिए सर दर्द बन चुका है। दरअसल मंत्री के भाई को छात्रावास अधीक्षिका के साथ छेड़खानी और जान से मारने की धमकी के आरोप में पुलिस ने मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। घटना 7 मार्च की है। मीना सिंह के भाई राजेंद्र सिंह उर्फ रज्जन बेलसरा गांव के कन्या छात्रावास में घुस गए थे। पहले तो उन्होंने वहां मौजूद छात्रावास अधीक्षिका के साथ छेड़खानी की और जब उन्होंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उनके साथ गाली गलौज करते हुए बदतमीजी की। घटना के विरोध में छात्रावास अधीक्षिका ने पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई। यह पहला मामला नहीं है जब राजेंद्र पर इस तरह के आरोप लगे हैं। लोगों का कहना है कि मंत्री के रसूख का लाभ उठाकर वह पहले भी ऐसी हरकतें करता रहा है। कांग्रेस ने इसे मुद्दा बना लिया है। युवक कांग्रेस इस घटना के विरोध में उमरिया के गांधी चौक में धरने पर बैठे हैं। जिला अध्यक्ष बीजेंद्र सिंह अब्बू का कहना है कि जिस तरह की घटना की गई है उससे पता चलता है कि प्रदेश में भाजपा सरकार में अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं और राज्य की महिला कितनी असुरक्षित हैं। जब छात्रावास के अधिकारियों के साथ ऐसा हो रहा है तो वहां रह रही छात्राएं कैसे सुरक्षित हो सकती हैं। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।